नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर जो है जो बदलने का प्रयास झारखंड नेतृत्व के द्वारा किया गया उसको लेकर बवाल जारी है, जिसके कारण जो है साहेबगंज जिला अध्यक्ष में जो अनिल ओझा को बदलकर बरकत खान को मनोनीत किया गया है उसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया, जहां साफ तौर पर झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आलमगीर आलम नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई नेता उनके बराबर जो है समकक्ष जो है सामने आए, और इसी को लेकर के जो है अनिल ओझा को जिला अध्यक्ष से हटाकर अपने प्रतिनिधि को बना दिया गया है, जो हम लोगों के लिए ठीक नहीं है और संगठन के लिए भी ठीक नहीं है। जल्द से जल्द कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व अनिल ओझा को जिलाध्यक्ष मनोनीत करे, क्योंकि संगठन का नेतृत्व जो है अनिल ओझा के द्वारा ही चलाया जा सकता है और इसी को लेकर के जो है हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नेता अनिल ओझा को अध्यक्ष पद से क्या खिलवाड़ बना लिया है लोग? आलमगीर जी क्या बूझ रहे हैं? बाप का पपौती है, जो इसको हटाया जिसको बना लेना है, इसलिए कि हम चाहेंगे कि हमारा नेता को पुनः अध्यक्ष पद बनाया जाए। आप लोग खड़ा हो जाइए तो। मेरा नाम ज्योतिष कुमार गुप्ता हुआ, हम कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ बहुत दुख के साथ हम लोग कर रहे हैं अन्याय के विरोध में। कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, किसी की जागीरदारी नहीं है, किसी की पपौती नहीं है। आज 28 वर्षों से अनिल ओझा हमारे गरीबों के शुभचिंतक, 12 बजे रात को मदद करने वाला एकमात्र शख्स है जो ये कांग्रेस को संभाल सकता है। अगर कांग्रेस को संभालना है तो अनिल ओझा को वापस इस पद पर लाना होगा। आज कांग्रेस का जो भी स्थिति है आज अनिल ओझा का देन है, और अनिल ओझा को एक बार अध्यक्ष बनाकर सेंट्रल से और उनका नाम हटा के और अपने करीबी को अध्यक्ष बना देना, ये कहाँ की इंसाफ है? अगर अनिल ओझा की वापसी नहीं हुई तो हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन और इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे, ताकि आलमगीर आलम जान जाए कि आज किस अनिल ओझा भी कोई इस नाम का शख्स है जो इस कांग्रेस के ऊपर में राज करता है। मुद्दा एक ही है, मुद्दा सिर्फ एक है कि आलमगीर साहब नहीं चाहते हैं कि उनके समक्ष दूसरा कोई लीडर आगे वो अपने पुत्र में फंस गए हैं, वो अपने को सिर्फ रखना चाहते हैं, तो इससे कांग्रेस कमजोर होती है, मजबूत नहीं होती है। हम लोगों ने उस समय से कांग्रेस को मजबूत करना शुरू किया जब अनुकूल मिश्रा जी को अध्यक्ष बनाया गया। कोई पोस्ट लेने वाला नहीं था पूरे साहबगंज जिला में, कहीं दो आदमी नहीं थे कांग्रेस में। आज हम लोगों ने मेहनत करके इस मुकाम पर लाया है, तो आलमगीर जी ये अपना ये क्षुद्र राजनीति करते हैं। अगर हमको उन बरकत खान से कोई दुश्मनी नहीं, हम उन्हें चाहते हैं वो रहे, लेकिन पहले क्यों नहीं उनका नाम अनाउंस किया गया? पहले अनिल ओझा को बेइज्जत करने के लिए नाम क्यों बाहर लाया गया? नहीं लाते शुरू से हम लोगों को। बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा निपक्ष रहे और हमेशा अन्याय के खिलाफ रहे, लेकिन आज मंत्री द्वारा आलमगीर साहब के द्वारा अन्याय ही किया जा रहा है। अच्छा, अनिल ओझा को जिलाध्यक्ष पद के लिए बनाया गया था 4 दिसंबर को, और अचानक उनको हटा दिया गया, और अपने प्रतिनिधि जबकि खुद आलमगीर प्रतिनिधि थे बरकत खान, उनको बना दिया गया जिलाध्यक्ष। ये अफसोस की बात है, जबकि NSI के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम जी हैं, युवा के कांग्रेस अध्यक्ष नदीम जी हैं, अल्पसंख्या के जिला अध्यक्ष सपराज हैं, सेवादार के अफताज हुसैन हैं। तो सवाल उठता, इस तरह हमारे बीच कांग्रेस को ना तोड़े, भेदभाव ना जले। अगर अनिल ओझा का कसूर क्या था? अरे आप भी विधायक हैं, आप वहाँ बरारवा पाकुड़ में सब कुछ, लेकिन यहाँ जिला अध्यक्ष कांग्रेस को मजबूत करना है तो हमारे यहाँ एक दबंग नेता चाहिए, जो हमारे अनिल ओझा दबंग थे जिला अध्यक्ष पोस्ट के लिए, और वह सारी है। और कांग्रेस को बचाना है, कांग्रेस को बचाना है तो उनको पद वापस करना होगा, क्योंकि हम लोग गलत का साथ देंगे, हम सही का साथ देते हैं।